हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, कल के क्लास में जो है हम लोग 10 क्वेश्चन का डिस्कस किए थे, आज उससे जो है आगे डिस्कशन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज का क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ठीक है, तो कह रहा है उस क्षेत्र का नाम बताइए, उस जगह का नाम बताइए जहाँ से यूरोप वासियाँ जो हैं सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है प्राप्त करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बिहार। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बिहार, यानी कि यूरोप वासी जो थे वो सभी के सभी जो हैं बिहार से जो है सर्वोत्तम टाइप का सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है वो बिहार से ही प्राप्त करते थे। ठीक है, मानी कि सर्वोत्तम यानी कि उच्च क्वालिटी का सोरा और अफीम जो है यूरोप वासियां बिहार से ही प्राप्त करते थे। अब है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो इसी क्वेश्चन को जो है घुमा के पूछा है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बिहार, यानी कि यूरोप वासी जो हैं वो सभी के सभी जो हैं बिहार से ही सर्वोत्तम क्वालिटी के यानी कि उच्च क्वालिटी के सोरा और अफीम जो है प्राप्त करते थे। अब है, इलाहाबाद की संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था। ठीक है, तो मुर्शिदाबाद का उपदीवान जो है मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो है मुर्शिदाबाद का उपदीवान जो है मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ठीक है, और याद रखना है बिहार के लिए जो है उपदीवान जो है वो बनाया गया था राजा सीताब राय को। ठीक है, बिहार के लिए जो है उपदीवान बनाया गया था राजा सीताब राय को। अब है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की। ठीक है, सम्राट शाह आलम द्वितीय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी जो है कब प्रदान की थी, तो 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, 12 अगस्त 1765, यानी कि सम्राट शाह आलम द्वितीय जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है 12 अगस्त 1765 को जो है प्रदान किए थे। ठीक है दोस्तों, अब है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा शाह शुजा, यानी कि रंजीत सिंह जो है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है शाह शुजा से प्राप्त किए थे। ठीक है, अब है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान जो है वह अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो टीपू सुल्तान जो है वो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। ठीक है, यानी कि टीपू सुल्तान जो है अपना राजधानी को श्रीरंगपट्टनम में बनाया था। टीपू सुल्तान जो है अपना राजधानी श्रीरंगपट्टनम को जो है बनाया था। ठीक है, अब है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। ठगों का उन्मूलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन सिलीमैन। इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन सिलीमैन, यानी कि ठगों का उन्मूलन जो है कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में हुआ था। ओके, अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संधि विजित कर जो है उसका अधिकरण किया। ठीक है, संधि बोले सॉरी फ्रेंड, संधि नहीं सिंध होगा। ठीक है, तो किसने सिंध विजित कर यानी कि सिंध जीत कर जो है उसका अधिकरण किया, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपियर। ठीक है, नेपियर जो है वो सिंध विजित करके जो है उसका अधिकरण किया। ठीक है, 1843 में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलियम ब्रिटिश भारत में कर लिया। ठीक है, सिंध का विलय जो है ब्रिटिश भारत में कर लिया। ठीक है,
यानी कि 1843 में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर जो है सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया। अब है बंगाल में दुई शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ठीक है, बंगाल में जो है दुई शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। यानी कि बंगाल में जो है दोस्तों दुई शासन प्रणाली यानी कि डायार्की जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है लागू की गई थी। ठीक है, तो द्वैध शासन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए डिटेल में। द्वैध शासन की शुरुआत जो है बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत की थी। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में शुरू हुई थी। ठीक है, और वारन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को जो है समाप्त करने का निर्णय लिया था। याद रखना है दोस्तों, ये डायार्की जो है यानी कि दुई शासन प्रणाली जो है ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में लागू किया गया था और वारन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है 1772 ईस्वी में इसे रद्द कर दिया। क्वेश्चन पूछेगा दुई शासन प्रणाली किसने लागू की, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। दुई शासन प्रणाली का किसने अंत किया, तो इसका अंत जो है वारन हेस्टिंग्स ने किया। ठीक है, और वारन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के लिए जो है उपदीवान जो चुना था उनका नाम था मोहम्मद राजा खान, और बिहार के लिए जो उपदीवान चुना था वारन हेस्टिंग्स ने उसका नाम था दोस्तों राजा सिताब राय। ठीक है, उसका नाम था दोस्तों राजा सिताब राय। ठीक है, ये देख लीजिएगा दोस्तों, ये वारन हेस्टिंग्स बनाए थे उपदीवान, ये रॉबर्ट क्लाइव, इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा। लेकिन बिहार के लिए जो उपदीवान थे उनका नाम याद रखिए राजा सिताब राय था, और बंगाल के लिए जो है उपदीवान थे उनका नाम था मोहम्मद रजा खान। अब है दोस्तों द्वैध शासन का जनक जो है किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जनक जो है जनक हो जाएगा सर लियोनिन कर्टिस। द्वैध शासन का जनक जो है वो हो जाएगा सर लियोनिल कर्टिस। अब है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ठीक है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, यानी कि बंगाल में प्रथम रेलवे लाइन जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाया गया था। ठीक है, और पहला ट्रेन जो है वो चला था कहाँ से कहाँ के बीच में? तो बम्बई से ठाणे के बीच में। ठीक है, अब है मुंगेर का बरहैया ताल विरोध का उद्देश्य जो है क्या था? मुंगेर का बरहैया ताल विरोध जो था उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ओके, मुंगेर का जो बरहैया ताल विरोध था इसका उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये रिवीजन क्लास जो है यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। हम लोग जो है फिर मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।